बच्चों को बेहतर शिक्षा देने के लिए रिंकी ने थामा टुक टुक का साथ। किच्छा, बच्चों को बेहतर शिक्षा देने के लिए जब परिवार के मुखिया संग रिंकी ने थाम लिया टुक टुक, जिसके साथ ही रिंकी शहर में चर्चा का विषय बन गई। देखिए रिंकी की खास रिपोर्ट। नवभारत समाचार, राज सक्सेना की रिपोर्ट। बोलती है मैं पुलिस बनूंगी, सबके अपने अपने एक ग्रुप बनते हैं, बच्चे बैठते हैं, यही कहते हैं। मुझसे तो नहीं कहा, मैंने खुद सुना अपने बच्चों के मुँह से। अब हम मियाँ बीबी ने दम पे बाजू कर दी, किसी का कोई सास ससुर का सहारा नहीं, ना मेके वाले का कोई सहारा नहीं, अपने मियाँ बीबी का सहारे पे बल पे हम चल रहे हैं। रिकी जी, एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल आपसे और जाएंगे कि जिस तरह से, चूंकि महिलाओं को आगे बढ़ने में दिक्कत होती है, जब आपने शुरुआत करी तो किस तरह की समस्याएं आपके सामने आई? क्योंकि छोटा शहर है, एक कस्बे के रूप में देखा जाता है इस शहर को, तो इस शहर में जब एक महिला टुक टुक चलाती है तो कई सवाल भी खड़े होते हैं, और कई बार ऐसी शख्सियत को देख करके लोग अप्रिशिएट भी करते हैं, सम्मानजनक नज़रों से भी देखते हैं। तो आपको जो समस्याएं हैं वो क्या खास थी? सर ऐसा कोई समस्या नहीं है, सब बोले अच्छा ही है, सब दुआ सलाम कर रहे हैं, कोई अच्छा कह रहा है, बहुत बढ़िया बात है मैडम, बहुत सी बातें, बहुत अच्छा काम पकड़ा आपने, ऐसा होना भी चाहिए, इतनी हिम्मत, सब दुआ सलाम ही कर रहे हैं, अच्छा ही नंबर ही कर रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। आपके अंदर हिम्मत, कोई अपना किसी के अंदर होना तो है ये बात, हम तो कह रहे हैं हमारे कोई लेडीज से आगे चले मतलब ही नहीं होता। एक अंतिम सवाल के साथ आपसे विदा लूंगा रिंकी जी, एक अंतिम सवाल मैं आपसे ये करना चाहूंगा कि जब आपने ये शुरुआत करी, आपको मोटिवेशनल, आपको इस काम के लिए मोटिवेट करने वाले कौन थे, जो आपको सबसे ज्यादा मजबूत बनाने में? सर हमने अपने दिमाग से, मियाँ बीबी ने अपने दिमाग से मोटिवेट ली, किसी की राय नहीं लिया, आज किसी हमने कि हमारे किसी को पता ही नहीं, हमने टोटो ले लिया, हमने, मैंने तो मन था इसके बच्चों के पापा से बोला था मैंने पुराना कि नहीं पुराना नहीं लूंगा, लूंगा तो नहीं लूंगा, अब क्या पता बाई टाइम तू सूख गई तो, अब बल पे है ये 4-5 साल था, हम कुछ नहीं कर सकते ना गाड़ी पे, अब बेचारे जो ड्यूटी चले गए 4 बजे के बाद फिर अब उनके हाथ में रहेगी गाड़ी, दोनों मियाँ अभी भी अपने हाथ बोल के काम कर रहे हैं, ये भी नहीं आधी माँ दारू पी के कहीं पड़ा है ऐसा है वैसा, वो भी नहीं। धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। आपने देखा कि आज एक महिला के मेहनत के संघर्ष और उसके बल पर आज वो अपने बच्चों को आगे बढ़ाने का काम कर रही हैं। हमारे साथ बने बने रहिए हमारे फेसबुक पेज और यूट्यूब चैनल पर। धन्यवाद। जिन्होंने अपने परिवार को आगे बढ़ाने के लिए, बच्चों को शिक्षित बनाने के लिए हाथों में खुद टुक टुक संभाल लिया, पति पत्नी की ये जोड़ी आज शहर में एक मिसाल बन के खड़ी हुई है। जहाँ आम तौर पे परिवार की जीविका चलाने के लिए पति संघर्ष करता है और पत्नी बच्चों को संभालने का काम करती है, वहीं आज इस महिला शख्सियत ने ये साबित कर दिया है कि महिलाएं कभी भी किसी से पीछे या कम नहीं रहीं। अगर वो अपने संघर्ष पे आईं तो परिवार को इस कदर बांध के चली हैं कि जिस मुकाम, जिस प्लेटफॉर्म को वो हासिल करना चाहती थी उसे निश्चित रूप से हासिल करके दिया। पति और पत्नी के संघर्ष की एक कहानी छोटी सी मैं आप लोगों के सामने रूबरू करने जा रहा हूँ। मैं मिलवाता हूँ आपको रिंकी गिरी जी से। पत्नी का परिवार के प्रति समर्पण और पति की इस भूमिका को निभाने में सहयोग एक मिसाल बना है। मैं बात करते हैं रिंकी जी से। रिंकी जी, जिस तरह से एक शुरुआत करी भाई साहब राकेश जी ने आपके सहयोग के लिए, एक टुक टुक आपको नया खरीद के दिया, क्या बहुत महत्वपूर्ण कारण था ये टुक टुक चलाने के पीछे? सर इस दिक्कत थी, किराए में रहते हैं सर, 3-3 बच्चे हैं सर, मैंने कहा नौकरी से कुछ होगा नहीं, 8-10 हज़ार की नौकरी है, अब 3-3 बच्चे हैं, मेन चीज बच्चे की पढ़ाई है सर, ये तो हर कोई पाल लेगा, बच्चे मेन चीज फैमिली, मैंने हम दोनों मियाँ बीवी ने राय लिया, मैंने कहा आप ड्यूटी से आओगे तो चला लोगे, मैंने कहा ऐसे किस्ती नहीं निकल पाओगे, ऐसा ये है वो कहा, तो मैंने कहा एक दिन उन्होंने मुझे कहा ऐसा मुड़ाना ऐसा मुड़ाना, उन्होंने मुझे खुद सिखा दिया, तो मैं अपने पैर पर खुद खड़ी हो गई, वो अपनी ड्यूटी कर रहे हैं, मैं अपना ड्यूटी चला रही हूँ सर बच्चों के लिए अपने। रिंकी जी, जैसा कि मेरे को जानकारी है कि दोनों आपकी दो पुत्रियाँ हैं, एक पुत्र है, तो बच्चों का भी जिस तरह से मुझे जानकारी है कि मोटिवेशनल थे, बहुत ज़्यादा इच्छुक थे आगे बढ़ने के, बच्चियाँ शिक्षा के क्षेत्र में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में, और बेटा फौज में जाने की इच्छा रखता है, तो क्या ये भी एक बहुत महत्वपूर्ण कारण रहा कि बच्चों को एक अलग प्लेटफॉर्म दिलवाने की इच्छा दी, कम आमद में वो सपने पूरे नहीं हो सकते थे? अब सर वो तो ऊपर ही वाला जानता, हमारे तो हाथ पैर दोनों मियाँ बीबी कमा रहे हैं, बच्चों के ऊपर लगा रहे हैं, बच्चे अपने मुंह से अपने आप खुद ही बोलता है, आप मेरे बेटे से पता करना बच्चे आप क्या करना चाहते हो, मम्मी मैं देश की रक्षा करने जाऊँगा, पढ़ाऊँगा लिखाऊँगा देश की रक्षा करूँगा, जय हिंद बोलूँगा,
और बेटियां बोलती हैं मैं टीचर नहीं बनूंगी, वो छोटी बढ़िया ही बेटी बोलती है मैं पुलिस बनूंगी। सबके अपने में एक ग्रुप बनते हैं, बच्चे बैठते हैं, ये यही कहते हैं। मुझसे तो नहीं कहा, मैंने खुद सुना अपने बच्चों को।